चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि झूठी खबर के दौर में सच पीड़ित हो गया है और सोशल मीडिया के प्रसार के साथ ही हालात ऐसे बन गए हैं कि कई बार जो कुछ कहा या सुना जाता है उसके तार्किक आधार पर कभी पुष्टि नहीं की जा सकती। सीजीआई चंद्रचूड़ अमेरिकन बार एसोसिएशन इंडियन कॉन्फ्रेंस 2023 में लॉ इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कन्वर्जेशन ऑफ इंडिया एंड वेस्ट विषय पर बोल रहे थे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम ऐसे युग में रहते हैं जहां लोगों के पास सब्र और सहिष्णुता की कमी है, क्योंकि वे ऐसे नजरिए को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं जो उनके दृष्टिकोण से अलग हो। सीजीआई ने प्रौद्योगिकी और न्यायपालिका की ओर से खासकर COVID-19 महामारी के दौरान इसका इस्तेमाल न्यायिक पेशे के सामने आने वाले मसले और ज्यादा महिला न्यायाधीशों समेत अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीजीआई ने कहा, झूठी खबरों के दौर में सच शिकार हो गया है। सोशल मीडिया के प्रसार के साथ जो कुछ बीज के रूप में कहा जाता है वो वस्तुतः पूरे सिद्धांत में अंकुरित होता है, जिसका कभी तर्कसंगत विज्ञान की कसौटी पर परीक्षण नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान वैश्वीकरण का एक प्रमुख उदाहरण है और ये हमारे वैश्वीकरण के युग में प्रवेश करने से पहले से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इंप्रूविंग लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी विद पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए विचारों की तलाश के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित किया जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनार का ये एक हिस्सा है। केंद्रीय बजट 7 प्राथमिकताओं को अपनाता है जो एक दूसरे के पूरक हैं और अमृतकाल के माध्यम से मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि के रूप में कार्य करते हैं। वेबिनार का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से सह प्रमुख मंत्रालय के रूप में DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से लीड मिनिस्ट्री के रूप में किया जा रहा है। वेबिनार को पूर्ण उद्घाटन और समापन सत्रों के प्रारूप में संरचित किया जाएगा और 3 समानांतर ब्रेकआउट सत्रों में विभाजित किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि राहुल ने यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल में अपनी टिप्पणी से भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। शर्मा का कहना है कि राहुल ने विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल को जॉर्ज सोरोस से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि पहले एक विदेशी एजेंट हमारे देश के खिलाफ साजिश रचता है और फिर भारतीय नेता यानी राहुल गांधी विदेशी भूमि पर देश के पीएम पर निशाना साधते हैं। शर्मा ने कहा कि ये फिक्स है, सब फिक्स है। उन्होंने राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर भी हमला किया कि कांग्रेस नेता ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आतंकवादियों को दूर से देखा और उनके पास आए एक व्यक्ति ने उनकी ओर इशारा किया। इस पर शर्मा ने पूछा कि राहुल गांधी ने सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना की सूचना क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पुलवामा आतंकी हमले को कार बम जिसमें 4 स्लिस सैनिक मारे गए बताया। वहीं विराट कोहली इंदौर टेस्ट के बाद पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे। कोहली और अनुष्का शर्मा भस्म आरती में शरीक हुए। इसके बाद दोनों ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर पंचामृत पूजन अभिषेक भी किया। इसका वीडियो अब सामने आया है। इसमें पूर्व भारतीय कप्तान मंदिर के गर्भगृह के बाहर बैठे हैं और भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। वीडियो में विराट पारंपरिक पोशाक पहने नजर आ रहे हैं। भगवान महाकाल के दर्शन के बाद अनुष्का शर्मा ने कहा कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर बेहद अच्छा लग रहा है। इससे पहले नए साल की शुरुआत में भी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बाबा नीम करौली के आश्रम पहुंचे थे। वे 2 दिन वृंदावन में ही रहे थे। इसके बाद वे आनंदमयी आश्रम पहुंचे जहाँ उन्होंने संतों से मुलाकात की थी। वहीं रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कुंभी गांव के पास का है, जहां कल शिवगढ़ क्षेत्र की रहने वाली 30 साल की महिला के साथ हुए गैंगरेप में नामजद 2 आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही थी, तभी
कुंभी गांव के पास रात के समय चेकिंग के दौरान पुलिस को काले रंग की मोटरसाइकिल से दो लोग आते हुए दिखाई पड़े। पुलिस ने दोनों को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और दोनों बदमाश सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी पहचान गैंग रेप के नामजद आरोपी संतोष और मनोज के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस को इनके पास से 315 बोर के दो तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखे सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। में दो लोग आए हुए हैं, मनोज कुमार 21 साल और संतोष कुमार 30 साल, CSC शिवगढ़ से रेफर हैं। बताया जा रहा पुलिस से मुठभेड़ हुई है, अभी यहाँ फर्स्ट एड करके। वही रायबरेली में अज्ञात कारणों से लगी आग के चलते खेतों में तैयार लाही की फसल इसकी चपेट में आ गई। समय रहते दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच पर आग पर काबू पा लिया, लेकिन लगभग 50 बीघे फसल अगर काबू नहीं पाया जाता आग पर तो आग की भेंट चढ़ जाती। मामला प्रयागराज लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एहार होटल प्लाजा के पास का है। यहाँ सड़क से थोड़ी ही दूर पर सरसों की फसल के बीच आसपास के लोगों ने धुआं उठता देखा। जब तक लोग कुछ समझ पाते वहां आग की लपटें उठने लगी। आग के विकराल रूप को देखकर ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रंगभरणी एकादशी पर नगर निगम की तरफ से 7 स्थानों पर गुलाल और पुष्प होली का आयोजन किया गया, जिसमें 100 पुट्ठा सीवेज फार्म के पास गुलाल पुष्प होली की व्यवस्था की गई। सांसद हेमा मालिनी की तरफ से 100 पुट्ठा सीवेज फार्म के पास नगर निगम की तरफ से आयोजित किए गए कार्यक्रम का शुभारंभ राहगीरों पर लाल गुलाल पुष्प वर्षा कर और बेर और पेठा देकर किया। क्या आयोजन किया गया है आज रंगभरणी एकादशी के पावन पर्व पर वृंदावन में परिक्रमा मार्ग से लाखों की भीड़ में श्रद्धालु और प्रथमार्थी आए। उनके लिए अलग अलग जगह पर नगर निगम ने पुष्प वर्षा और अबीर से वर्षा की है। इसके अतिरिक्त एक हमने भंडारा भी लगाया था, जहाँ पे आपने देखा कि पेठा फल पुष्प एवं अबीर का आयोजन किया गया था। माननीय सांसद महोदय, हमारे नगर BC सर और हमारे अपर नगर साहब और पूरी नगर निगम की टीम यहाँ पे मौजूद है। वहीं हमीरपुर से हादसे की खबर सामने आई है, जहां लोहा भट्टी में काम करते समय 4 लोग झुलस गए। सुमेरपुर थाना इलाके के रिमझिम इस्पात फैक्ट्री का ये पूरा मामला है, जहां पर काम करते समय फैक्ट्री प्रबंधन की गलती की वजह से 4 लोग झुलस गए। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि फैक्ट्री की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। मजदूरों को किसी भी तरीके का सुरक्षा उपकरण नहीं मुहैया कराया गया था, तभी अचानक लोहे की भट्टी में आग लग गई, जिसकी वजह से 4 मजदूर झुलस गए। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। फर्नेस ब्लास्ट होने की वजह से 4 लोग जली अवस्था में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाए गए हैं, जिसमें अरविंद, जितेंद्र, चरण सिंह, छोटे सिंह, ये 4 लोग हैं। अरविंद और जितेंद्र पूरी तरह से ठीक हैं। छोटे सिंह और चरण सिंह को भर्ती करके जो प्राथमिक उपचार है वो दिया जा रहा है, लेकिन वो अधिक जले हैं, उनको है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद गुरुवार रात PM नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित BJP मुख्यालय पहुंचे और अपनी स्पीच में विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी जीत से घबराए कुछ कट्टर विरोधी कह रहे हैं कि मर जा मोदी, लेकिन मेरे देशवासी कह रहे हैं मत जा मोदी। वहीं JP नड्डा ने भी जनसभा के दौरान विपक्षियों पर जमकर हमला किया। आप भी सुनिए PM नरेंद्र मोदी और JP नड्डा ने क्या कुछ कहा। कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है।
कुछ लोग कट्टर कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं, वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। आज कांग्रेस का क्या हाल हो गया, कहीं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अभी भी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है, ऐंठन चली गई, ऐंठन अभी भी बरकरार है, जमीन खिसक गई है और अभी भी सुबुद्धि नाम की चीज दूर दूर तक उनके नजदीक नहीं आई है। और देखिए किस तरीके की भाषा आज कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके की असभ्य भाषा में उतर आए हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरीके से राजनीति की हर सीमाओं को लांघ करके वो अपना छोटापन और ओछापन दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सब लोग मिलकर हर जगह कमल ही कमल खिला रहे हैं, कमल ही कमल खिला रहे हैं। ये आपके नारे, ये मोदी जी के प्रति आपका प्यार, ये दुनिया में संदेश दे रहा है कि तुम अपनी भाषा से कितने भी नीचे चले जाओ, भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे ही बढ़ने वाला है और तीव्र गति से चलने वाला है। आम आदमी पार्टी पापी आपका एक नेता है, उसने फेस टाइम कॉल करा के अरविंद केजरीवाल की बात एक और एक्यूज्ड समीर महेंद्रू से कराई और अरविंद केजरीवाल बोले मेरा बेटा है, चिंता ना करना समीर महेंद्रू, जो कहे घोटाला वसूली रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार काली कमाई समझ लेना मैं ही कह रहा हूं, यही जांच एजेंसी ने कहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी अगर आप संवैधानिक पद पर बने रहेंगे। वहीं आगरा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री प्रेमचंद कुशवाहा पर गुरुवार की देर रात अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी जिससे उनकी गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया, उनकी जबकि भाजपा नेता ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस को घटना की सूचना दी जिसके बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, लेकर पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि सैया क्षेत्र के मुख्य रही गांव में पूर्व प्रधान उदय सिंह सिप्पल के घर में कुछ समय पहले चोरी हुई थी। इस मामले में वो उनके साथ थाना सया प्रभारी से मुलाकात करने गए थे और वापस लौटते समय बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सिप्पल जी, इनकी चोरी हुई थी कुछ माह पहले जिसमें 22 तोले सोना, 5 लाख से अधिक की नकदी, 1 315 बोर की राइफल और 20 जिंदा कारतूस। फिर लौटते समय क्या हुआ? लौट जब हम उधर से मैं लौटा था तो मैं सीओडी रोड से अपने घर के लिए निकला, घर के लिए मैं आ रहा था तो इसी जगह पर जिस जगह लोग खड़े हैं, हाँ मैं अकेला था, बाकी लोग खड़े थे, बाकी के लोग अपने अपने जगह पर उतर गए थे। अच्छा अच्छा। तो मैं जैसे इस जगह आया तो एक बाइक वाला यहाँ खड़ा था और उसकी लाइट जली हुई थी, शायद ब्रेक पर पैर रखा होगा, और एक लड़का पीछे हाथ करके इधर आ रहा था। अच्छा। तो जैसे ही उसने पीछे से तमंचा निकाला। वही हाथरस में हुए देश के बहुचर्चित मामले बुलगड़ी कांड में 3 आरोपी जेल से रिहा कर दिए गए जबकि रामू उर्फ राम कुमार रवि और लौकुश तीनों आरोपी अलीगढ़ जेल से रिहा हुए। हालांकि मुख्य आरोपी संदीप को न्यायालय ने आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीन की रिहाई हुई है, संदीप को आजीवन कारावास हुई है, बाकी तीनों दोष मुक्त हो चुके हैं तो इनकी रिहाई जो है आज सुबह कर दी गई है 8 बजे। कल नहीं इसलिए की गई कि इन्होंने सुरक्षा के कारण जो है पत्र दिया था कि मेरी रिहाई नहीं किया जाए, मेरी सुरक्षा को
खतरा है और लेट रिहाई था, तो इसलिए जो उनको उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सवेरे रिहा किया गया। चार कुल मुलजिम थे। मैं रायबरेली में वाहन चेकिंग से बचकर भाग रहे बाइक सवार ने सामने से आ रही दूसरी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसने दोनों बाइक सवार महिला समेत चार लोग घायल रूप हो गए। मामला जगतपुर के मलिहाडी गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां पुलिस बाइकों की चेकिंग कर रही है। चेकिंग के दौरान बाइक चालकों को रोकने की कोशिश की गई, तो बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अलकतरा से एक ऐसा नजारा देखने को मिला है, जहां ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये कैसा प्रशासन है, ये कैसे अधिकारी हैं जो जन सुनवाई के नाम पर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की फरियाद को तो अनसुना कर दिया गया है। दरअसल MVK स्टील और पावर प्राइवेट लिमिटेड की मिनी स्टॉल प्लांट को लेकर पर्यावरण अफसर जन सुनवाई कर रहे थे, जहाँ पर समर्थन में से ज्यादा लोग विरोध करते नजर आ रहे थे। लोगों का कहना है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे थे। मेरा कुछ नहीं खाड़ सकते, मैं तो पैसे के दम पर सब कुछ कर लूंगा। ऐसा का अगर अब दिखा भी वो बात कि यहाँ प्लांट में अधिकारियों द्वारा बगैर सुनवाई के बगैर गांव में हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो अमरताल के जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको उनका हक मिले, उनको रोजगार मिले और जन सुनवाई तो होना ही चाहिए फिर से गाँव में अपना। और जो गरीब है ना, जो वास्तविक गरीब है, उसको कुछ सुविधा मिलना चाहिए। और जिस दिन उस गरीब को उपेक्षित होगा उसको MVK बायो पावर प्लांट के एक्सट्रैक्शन के लिए जो है आज की जनसुनवाई अलतरा में रखी गई थी, जिसमें कि लगभग 250 से 300 लोगों ने अपने विचार रखे। और लखनऊ में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली से मुलाकात की। दरअसल शबे बारात से पहले मौलाना से ये मुलाकात की गई, जहां होली और शबे बारात त्यौहार को लेकर चर्चा हुई। वहीं इस बीच बृजेश पाठक ने मौलाना से अमन कायम रखने की पहल और कोशिशों की सराहना की। सात अप्रैल को होली खेली जाएगी और उसी दिन शबरात है, और अपने मुल्क की हमेशा यह रवायत रही है और ख़ासकर अपने UP और लखनऊ की, यहाँ पे तमाम मजाहिब के लोग मिलजुल करके अपने अपने फेस्टिवल मनाते हैं। और पिछले साल तो होली और जुमा और शबरात एक दिन थे, उसमें हम लोगों ने जुमे का टाइम एक्सटेंड कर दिया था। हिंदू भाइयों ने होली की बारात का टाइम एक घंटा घटा दिया था, उसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने होली भी पूरी आज़ादी के साथ खेली और लोग अमन सुकून से शबरात भी सपने बनाई। तो इस साल भी यही अपील लोगों से की गई है कि सब लोग होली पूरी धूमधाम, दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, और लखनऊ की बहुत पुरानी ये संस्कृति है और हम लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, तो दोनों लोग सामंजस्य बना करके दोनों त्यौहारों को धूमधाम से हम लोग मनाते। वहीं फतेहाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक मामले में नामजद युवक की मां से 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ASI को पकड़ा है। आरोपी के पास से महिला पहले 24000 रुपए वसूल चुका है। DSP राकेश मलिक ने बताया कि जाखल निवासी राजरानी महिला ने उन्हें शिकायत देकर बताया कि जाखल थाने का ASI सोहन सिंह उनके बेटे के केस में उनसे रिश्वत मांग रहा है और 24000 रुपए लगभग वो ले चुका है, जिसके बाद रंगे उनके नेतृत्व में टीम जाखल थाना पहुंची और महिला जब ASI को 4000 देने लगी तो मौके पर ही उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए RIA News। नमस्कार।